अच्छा जी तो हम जरा सा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट हम क्या कर रहे थे आ, हमने एक जी इसको जूम करता हूँ लेकिन अभी यू आर नॉट सपोज टू सी द कोड राइट नाउ ना अभी तो मैं ज़रा रिवीजन कर रहा हूँ कि हम क्या कर रहे थे तो आ, हमने एक ब्रांड न्यू ऐप बना ली थी जिसका हमने नाम रख दिया था वेदर ऐप और आ, उसके अंदर हमारे पास जो इंडेक्स डॉट जी है आ, लास्ट उससे पहले तो हम ये करते थे इंडेक्स डॉट जे को पूरा रिप्लेस करते थे लेकिन इस ऐप जब हमने ये ऐप बनाई थी इसमें हमने इंडेक्स डॉट जे को रिप्लेस नहीं किया था बल्कि हम कहाँ गए थे हम ऐप डॉट जे में जाके काम कर रहे थे और हमने इसके फाइल को भी रीनेम कर दिया था जे जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे इंटेलिजेंस मिलना शुरू हो गई थी ठीक है जी अच्छा इस ऐप के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं अभी तक हमने स्टेट बनाना सीख लिया ठीक है जी और हमने रेफ़ बनाना भी सीख लिया ठीक है स्टेट और रेफ़ ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं गो के हमने रेफ़ को जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस नहीं किया है हमने सिर्फ रेफ़ को इस कॉन्टेंट में इस कॉन्टेक्स में डिस्कस uh, किया है कि जी वो फॉर्म से वैल्यू उठाने के कॉन्टेक्स में ना ठीक है रेफ़ से कुछ मजीद काम भी हो जाते हैं जो कि होपफुली uh, अगर कोई सिचुएशन बनी आगे तो मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगा कि रेफ़ को जो है ना एज अ स्टेट भी यूज़ किया जा सकता है ठीक है लेकिन स्टिल अब रेफ़ में और स्टेट में क्या डिफरेंस है अब ये एक बात है ठीक है अच्छा जी उसके अलावा हमने क्या कर लिया था उसके अलावा हमने इसके अंदर एक फॉर्म बना लिया था इस इस ऐप के अंदर जिसको हमने हेडिंग लगा दी थी कि जी वेदर ऐप है और इस फॉर्म के अंदर हमने एक अदद इनपुट बॉक्स लगाया था इस इनपुट बॉक्स के अंदर इस इनपुट बॉक्स में जब कोई बात लिखी जाएगी तो ऑन चेंज के ज़रिए भी हमने स्टेट में वैल्यू रख के देखी थी कि जी इसकी वैल्यू हम कैसे उठाएंगे इस इनपुट बॉक्स की तो एक स्टेट वाला तरीका देखा था एक रैफ़ वाला तरीका देखा था ठीक है ये दोनों आ, आ, हमने डिस्कस कर लिए थे और इसके अंदर हमने कुछ एच टी एम एल फाइव की वैलिडेशन भी लगा दी थी जो कि इसमें बिल्कुल सही काम करेगी ये जो फॉर्म का जो एलिमेंट है सॉरी फॉर्म का जो कंपोनेंट है रिएक्ट का जो बिल्ट इन कंपोनेंट है ज़ाहिर ये एच का एलिमेंट नहीं है ये रिएक्ट का कंपोनेंट है तो इसका जो बिहेवियर है फॉर्म के कंपोनेंट का वो मोर और लेस जो है वो एच वाले फॉर्म के जैसा ही है ठीक है क्योंकि इसमें वही वाले सारे प्रॉप्स हैं जैसे कि मैक्स लेंथ जैसे कि रिक्वायर्ड जैसे कि ऑन चेंज लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसके मैक्स लेंथ में कैमल केस में हम लिख रहे होते हैं उसको ठीक है एट्रीब्यूट जो होता है वो कैमल केस में नहीं होता वो सीधा सीधा होता है स्मॉल केस में होता है वो <coughs> अच्छा जी और सबमिट के बटन पे हमने क्या कर दिया था ये ऑन सबमिट का भी आ, आ, एक हैंडलर बना लिया था ऑन सबमिट के ऊपर एक फंक्शन गेट वेदर के नाम से हमने बना लिया था और ये गेट वेदर का फंक्शन क्या करता था गेट वेदर का फंक्शन ये करता था कि जी आ, पहले तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करके डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जैसे कि पेज रिफ़्रेश होना उसको ये रोक देता था उसके अलावा क्या करता था कि जी ट्राई कैच के अंदर एक्जीस की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए एक एपीआई कॉल करता था जहाँ से उसको वेदर की डिटेल मिलती थी ठीक है और उस ए को कॉल करते वक्त उसके दरमियान में आ, जो इनपुट की इनपुट uh, फील्ड से जो वैल्यू उठाई है वो भी इसमें शामिल करता था ठीक है ताकि बंदे ने जो सिटी का नाम लिखा है उसी का वेदर आए और जब वो डेटा आ जाता था तो उसको क्या करता था एक स्टेट के अंदर सेव करवाता था और ये स्टेट के अंदर सेव करवाने के बाद क्या होता था जैसा कि हमने देखा है स्टेट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम डायरेक्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर तो हमने इस स्टेट की वैल्यू को अपने फ्रंट एंड के ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया था ठीक है जी तो आ, इसको डिस्प्ले करवा दिया था और जैसे ही ये वहाँ पर फॉर्म सबमिट होता था तो यहाँ पे जो है ना डेटा डिस्प्ले हो जाता था अच्छा जब तक फॉर्म सबमिट नहीं होता था तो इस जगह पे क्या होता था कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता था जस्ट ब्लैंक स्पेस नज़र आ रहा होता था क्यों नज़र आ रहा होता था क्योंकि इसके अंदर मैंने नलिश ऑपरेटर लगाया है और रिएक्ट के ये रिएक्ट के अंदर ये बिहेवियर है कि अगर किसी जगह पर ना कोई जावा का ब्लॉक है और उस जावे के ब्लॉक के अंदर से उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती है ठीक है उसको अनडिफाइन नल वगैरह मिलता है तो वो उसको डिस्प्ले नहीं करता उसको वो इग्नोर कर देता है ठीक है ना अच्छा इसी तरह ट्रू फॉल्स भी अगर उसको मिलता है तो उसको भी वो डिस्प्ले नहीं करता वो इग्नोर कर देता है उसको ठीक है ये चीज़ हम पहले शायद इस बिहेवियर को नोटिस कर चुके हैं कि अगर यहाँ पर मैं ये इसके अंदर अभी देखो नलिश ऑपरेटर लगाने से क्या होता है कि डेटा डॉट लोकेशन डॉट नेम अब अगर डेटा के अंदर डॉट लोकेशन मौजूद नहीं है और डॉट नेम भी मौजूद नहीं है ठीक है तो डेटा डॉट लोकेशन मुझे क्या रिटर्न करेगा डेटा जो है अगर वो एक एम ऑब्जेक्ट है हमने डेटा को क्या रखा था भाई दबे शुरू में नल रखा था ओके okay. ओके okay. तो अच्छा अगर ये डेटा नल है तो उस सूरत में ये डेटा डॉट लोकेशन मुझे क्या रिटर्न करेगा अनडिफाइंड नहीं रिटर्न करेगा वो बोलेगा कि कैन नॉट गेट लोकेशन ऑफ नल वो ये बोलेगा ठीक है अच्छा और यहाँ पे कोड ब्रेक हो जाएगा अगर नलिश ऑपरेटर नहीं होगा यहाँ पे कोड ब्रेक हो जाएगा मेरा आगे बढ़ेगा ही नहीं रेड कलर का वो पूरा थ्रो कर देगा एरर अच्छा अगर ये डेटा अगर होता एम ऑब्जेक्ट या एरे वगैरह और कोई चीज़ होती है अगर ठीक है तो ये बोलता है कि भाई ये डॉट लोकेशन अनडिफाइंड क्योंकि एम ऑब्जेक्ट में अगर किसी ऐसी की को हम एक्सेस करते हैं जो मौजूद नहीं है तो अनडिफाइंड बोलता है अच्छा तो इतना देता अनडिफाइंड और ये डेटा डॉट लोकेशन डॉट नेम अगर होता ना तो फिर वो बोलता कि भाई कैन नॉट गेट नेम ऑफ अनडिफाइंड क्योंकि अनडिफाइंड पर डॉट लगा के फिर मैं नेम मजीद लगा रहा हूँ तो बोलता है कि कैन नॉट गेट वैल्यू नेम ऑफ अनडिफाइंड ठीक है तो ये नलिश ऑपरेटर लगाने से क्या होता है कि ये कोड ब्रेक नहीं होता लेकिन होता ये कि यहाँ पे अनडिफाइंड रिटर्न होता है जब नलिश ऑपरेटर लगाता हूँ ना मैं तो जहाँ तक उसको अनडिफाइंड या नल मिलता है ना तो वो उतने को रिटर्न कर देता है वो आगे नहीं बढ़ता उससे तो अब वो नल जब यहाँ पे रिटर्न होता है ना तो रिएक्ट उसको प्रिंट नहीं करता है रिएक्ट उसको इग्नोर कर देता है रिएक्ट कौन कौन सी वैल्यू को प्रिंट करता है कौन बताएगा डेटा टाइप हमने पांच डेटा टाइप पढ़े ना जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर वन नंबर स्ट्रिंग बोलियन एरे और ऑब्जेक्ट तो ये पांच तो यानी मोस्ट कॉमन और मोस्ट बेसिक डेटा टाइप्स है ना जो हमने रिएक्ट के अंदर पढ़ ली हैं ठीक है ठीके? और भी छोटी छोटी दो चार पांच हैं लेकिन वो अभी मैटर नहीं करता तो ये पांच में से कौन कौन सी डेटा टाइप ऐसी है जिसको रिएक्ट स्क्रीन पर एंडर कर देता है स्ट्रिंग और नंबर हाँ एरे के अंदर सॉरी स्ट्रिंग और नंबर बुलियन को प्रिंट नहीं करता स्ट्रिंग और नंबर को करता है अच्छा और अगर एरे के अंदर जो है ना मौजूद हो यही दोनों वैल्यू अगर एरे में भी मौजूद हो तो उसको भी प्रिंट कर देता है ठीक है अच्छा अगर एरे के अंदर एरे हो और उसके अंदर फिर नंबर या स्ट्रिंग हो तो उसको भी कर देता है ठीक है नेस्टेड एरे को भी समझ लेता है ये लेकिन ऑब्जेक्ट को नहीं प्रिंट करता ये ऑब्जेक्ट को बोलता है भाई मेरे समझ नहीं आ रही है अच्छा तो ये हमने देख ली बात अच्छा अब इसके बाद आप लोगों को मैंने असाइनमेंट ये दिया था आ, कि जो है ना आप लोग इसी तरह की एक वेदर ऐप बनाएंगे और इसको मैं एन पी एम स्टार्ट कर देता हूँ अच्छा एन पी एम स्टार्ट करने से पहले इसका फ़ोल्डर को मैं रीनेम करना चाहूँगा इसका फोल्डर जो है ना इसमें फ़ोर डॉट नहीं लगाया था मैंने लास्ट वो मैं मिस कर गया था वुड यू लाइक टू अपडेट नो फोर डॉट ठीक है जी और मैंने कहा कि जी एन पी एम स्टार्ट अच्छा जी तो इस तरह का कुछ हमारे पास स्क्रीन पे दिख चुका था और यहाँ पे हम लिखते थे यहाँ पे अगर कराची और एंटर करते थे तो हमारे पास यहाँ पे कराची का वेदर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता था ठीक है जी उसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट ये दिया था कि आप इसी तरह की एक ऐप बनाएंगे जिसमें मैं कराची लिखूँ तो यहाँ पर एक खूबसूरत सा अच्छा सा कार्ड बनकर आए और जिसके अंदर कराची का वेदर हो अच्छा और अगेन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ किसी दूसरे सिटी का नाम और एंटर करूँ तो यही वाला रिप्लेस हो जाता है अभी ऐसा ना हो बल्कि ये नीचे चला जाए और टॉप पे एक दूसरा कार्ड बना हुआ जाए क्योंकि री यूजेबल कम्पोनेंट हम बनाना सीख चुके थे लास्ट तो ये री यूजेबल कम्पोनेंट इसमें इस्तेमाल करने के लिए ये असाइनमेंट आपको दिया गया था जिसमें से आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ये असाइनमेंट जो है वो बना के सबमिट करवाएं अच्छा कुछ लोगों के असाइनमेंट्स के अंदर जो है वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ कराची और जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो वो एंटर पर फॉर्म सबमिट नहीं होता ठीक है तो वो इस वजह से हो रहा है कि आपने फॉर्म का टैग इस्तेमाल नहीं किया यानी फॉर्म का जो कंपोनेंट है वो इस्तेमाल नहीं किया ठीक है इस वजह से हो रहा है अच्छा कुछ आ, दूसरा जो एक मेजरली सब लोगों ने मिस्टेक की है वो ये किया है कि जब मैं गेट वेदर पर क्लिक कर देता हूँ ना तो कोई लोडर कोई ऐसी चीज़ नहीं आती ना ठीक है अच्छा यहाँ पर भी मैंने जब अगर इस पेज को मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ तो ये दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि जी अगर मेरे पास सिटी नेम लिखा हुआ है और सामने ब्लैंक है दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस ठीक है ना तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे दो चीज़ों का जिक्र किया मैंने एक तो ये कि नो डेटा अभी डेटा लोड हुआ ही नहीं है तो मुझे ये बताना चाहिए कि नो डेटा है इस वक्त है ना तो एक तो वो चीज़ दूसरा ये कि जब मैं सिटी का नाम लिख के गेट वेदर का बटन प्रेस कर दूँ या एंटर प्रेस कर दूँ सिटी का नाम लिख के तो जब तक वो सिटी लोड हो रही है जब तक मुझे किसी किस्म का कोई लोडर दिखना चाहिए जिससे मुझे पता लगे कि अच्छा जी वो एंटर हिट हो गया और ए कॉल लग चुकी है ठीक है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस ये दोनों चीज़ है ना अगर अगर मैं लोडिंग नहीं दिखाता हूँ तो यूजर को पता ही नहीं लगेगा कि यार ये क्या हो तो दो तीन दफ़ा वो प्रेस करेगा ठीक है अगर हम इसको और एक्सटेंसिव किस्म का यूज़र एक्सपीरियंस हम करें तो फिर तो उसमें हम ये करते हैं कि बटन वंस प्रेस हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए बटन को भी डिसेबल करते हैं जब तक वो मेरा रिस्पॉन्स वापस नहीं आ जाता ए कॉल का ना ठीक है उसको वो उसका बड़ा अच्छा एक नाम होता है शायद थ्रॉटलिंग कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं उसको ठीक है तो वो भी हम करते हैं कुछ केसेस में जहाँ पे हमें मतलब ये बहुत बड़ा बड़ी तादाद में यूज़र आया हुआ होता है अगर जैसे ना जो पब्लिक पोर्टल्स होते हैं कि जी आप आओ रोल नंबर लिखो चेक करो तो वो तो टक टक दबाएगा तो चार पाँच ए कॉल लगा देगा वो ठीक है न और पीछे अगर हर ए कॉल पर पीछे अच्छी खासी एक्सटेंसिव कोई एग्रीगेशन वगैरह कोई ऐसी चीज़ चल रही है अगर तो मैं उसको क्या करता हूँ ए कॉल को मैं लिमिट करता हूँ फॉरन ठीक है तो ये दो चीज़ें हम ना यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से और फिर हम आगे बढ़ते हैं अच्छा नंबर एक तो यार ये है ना कि जब तक ये डेटा डॉट लोकेशन डॉट नेम ये जब तक अगर मौजूद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ एक टर्नरी ऑपरेटर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे एक जावा के ऑब्जेक्ट इसमें आता हूँ ब्लॉक में और जावे के ब्लॉक में आके मैं कहता हूँ कि यार जब ये मौजूद हो ना ये वाली चीज़ ये जाहिर है ये जब ही स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जब ये डेटा आ चुका होगा इंटरनेट से अदरवाइज ये अनडिफाइन दे रहा होगा मुझे तो मैं कहता हूँ कि अगर ये चीज़ मौजूद हो क्वेश्चन मार्क तो फिर क्या करो कुछ एक अलग तरह का डेटा यहाँ पे दिखाओ अदरवाइज कुछ अलग तरह का दिखाओ तो ये जो पहली वाली सिचुएशन है उसमें तो ये वाला डिफ दिखाऊंगा ना मैं कि डेटा आ चुका है जनाब ठीक है इसको मैंने यहाँ से कट किया और ये पहला वाला जो पार्ट था ना इस जगह पे मैंने इसको प्रिंट कर दिया कि जी अगर डेटा डॉट लोकेशन डॉट नेम अगर आ चुका हो मौजूद हो तो क्या करो आप ये डिव दिखा दो यानी कि उस डेटा को डिस्प्ले करवा दो अदरवाइज़ ये जो अदरवाइज़ ये नीचे वाला है इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें मैं नल करूँगा तो कुछ भी नहीं दिखाएगा स्क्रीन पर लेकिन बेहतर ये नल करने से कि जो है ना मैं यहाँ पे एक डिव बना के उसमें ये बात लिख दूँ कि जी वो नो डेटा no सही है या इस तरह की कोई चीज़ सही है अभी मैंने नो डेटा ऐसे ही लिख दिया है लेकिन इस इस स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर जो है ना ये नो डेटा प्रिंट नहीं होगा इसमें ज़ाहिर है मुझे कुछ इस तरह का लिखना पड़ेगा कि भाई प्लीज राइट योर या मे बी मैं इसको एम भी छोड़ सकता हूँ क्योंकि वेदर ऐप के अंदर अगर यहाँ पे मैं एम दिखा देता हूँ तो इट्स नॉट अ बिग डील लेकिन जस्ट मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट पोर्टल है अब वो स्टूडेंट पोर्टल का एक सर्टन पेज है वो खुलता है स्टूडेंट की लिस्ट दिखती है वहाँ पर अब वो पेज खुल गया स्टूडेंट की लिस्ट नहीं दिखी एम दिख रहा है इसका क्या मतलब है अब इसकी दो मतलब हो सकते हैं या तो कोई स्टूडेंट उस पेज पर मौजूद ही नहीं है पहले से स्टूडेंट पोर्टल में मेरे पास दो स्टूडेंट इनरोल हैं कोई एक पेज ऐसा है जिस जिसपे वो तमाम स्टूडेंट की लिस्ट दिखती है अब वो पेज अगर मैंने खोला है और एक डेढ़ सेकेंड तक उसके ऊपर कोई स्टूडेंट मुझे नहीं दिख रहा है ये सारा गेम एक से डेढ़ सेकंड का ही गेम है सारा उसके बाद तो फिर वो बंदे को खुद ही पता लग जाता है कि क्या हो रहा है तो इंस्टेंट उसको पता लगना चाहिए कि यार ये क्या हुआ है अच्छा पेज पे यूज़र नहीं दिख रहा कोई स्टूडेंट नहीं दिख रहा कोई इसका मतलब एक तो ये हो सकता है कि कोई स्टूडेंट उधर है ही नहीं डेटा बेस समा हो डेटा बेस वाइप हो गया है या कुछ ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट है ही नहीं अब सिस्टम के ऊपर दूसरा ये हो सकता है कि वो स्टूडेंट अभी लोड हो रहा है ये हो सकता है दूसरी सिचुएशन ठीक है दोनों में से कोई एक होगा लेकिन अब यूज़र को कैसे पता लगेगा कि कौन सी सिचुएशन है है ना या तीसरी भी एक सिचुएशन हो सकती है कि फेल हो गया वो लोड हो होने की कोशिश की उसने लेकिन फेल हो गया तो इन तमाम सिचुएशंस को डिपेंडिंग ऑन कि क्या ऐप बना रहे हैं आप आपने इसको हैंडल करना होता है ना <coughs> तो मैंने नो डेटा फ़िलहाल लगा दिया अच्छा <coughs> तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन तो है नहीं पेज लोड होता ही डेटा लोड हो इनशाला हम जब चैट ऐप बनाएंगे तो उसमें हम भी वाला काम करेंगे चैट ऐप में क्या होगा जैसे ही स्क्रीन खुलेगी तो पुरानी चैट लोड होनी चाहिए उसमें ठीक है ना तो इस तरह की कोई सिचुएशन अगर आती है हमारे पास इन फ्यूचर तो हम इसको चीज़ को हैंडल कर लेंगे वेल तो अभी मैंने सिर्फ नो डेटा को हैंडल कर लिया है यहाँ पर अच्छा नो डेटा को हैंडल करने के बाद अब मैंने अगला काम क्या करना है कि जी ऑन सबमिट में ना जब ये गेट वैदर की ए कॉल हो जाए तो मैं क्या करूँ एक अदद लोडिंग कहीं ना कहीं डिस्प्ले करवाऊँ कुछ ना कुछ करूँ इसको मैं कैसे करूंगा इसको मैं ऐसे करूंगा जी कि यहाँ पर एक आके ना अलग से मैं स्टेट बनाऊँगा ठीक है और मैं इसको बोलूँगा कि इज लोडिंग ठीक है और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि भाई सेट इज एल डी आई एन जी लोडिंग ठीक है और बाई डिफॉल्ट इसको मैं क्या रखूंगा फॉल्स ठीक है जी बाई डिफॉल्ट इसको मैंने फॉल्स रख दिया अच्छा जैसे ही गेट वेदर की क्या ये फंक्शन हिट होगा तो ये ट्राई के अंदर यानी ट्राई के ए कॉल करने से एन पहले मैं क्या कर सकता हूँ मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं कर दूँ सेट इज लोडिंग ट्रू ठीक है मैं इस फंक्शन के टॉप पे भी कर सकता था लेकिन ज़रा यहाँ पे किया है मैंने ताकि ये ए कॉल और इज लोडिंग जरा करीब करीब रहे है ना ताकि जब भी इस पी कॉल में कोई चेंजेस हो तो इस लोडिंग पता हो गया अच्छा यार ये इस लोडिंग यहाँ पे लगा हुआ है ठीक है वैसे तो ये ऑब्वियस बात होती है लेकिन जस्ट इन केस अच्छा और ये जो सेट डेटा जब मैंने किया है तो सेट डेटा करने से एन पहले मैं क्या करूँगा सेट इस लोडिंग को मैं वापस से फॉल्स कर दूँगा ठीक है अच्छा और अगर एरर आ जाता है तो एरर के इस ब्लॉक के अंदर भी मैं सेट इस डेटा को क्या कर दूँगा फॉल्स कर दूँगा ठीक है डेटा यार ये क्या किया इसने ऑटो कम्प्लीट जो है ना थोड़ी खतरनाक चीज़ है सम टाइम ऐसी चीज़ कर जाता है कि जो ठीक है तो मैंने सेट इज़ लोडिंग को जस्ट यहाँ पे फॉल्स कर दिया ठीक है ना सब लोगों को दिख रही है ना स्क्रीन yes, तो अब जब भी क्या होगा जब भी मैं बटन प्रेस करूँगा सबमिट का तो ये इज़ लोडिंग ट्रू होगा ये ट्राई के ब्लॉक में ठीक है ये एपीआई कॉल होगी अवेट पे ये रुकेगा डेढ़ दो सेकंड जो भी इसको लगेगा उसके बाद जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा ना तो यहाँ पे फॉल्स कर देगा लोडिंग अगर रिस्पॉन्स नहीं आया फेल हो गया तो भी ये फॉल्स कर देगा है ना तो अब हमारे पास एक स्टेट ऐसी आ गई है जो ट्रू फॉल्स सही वक्त पे हो रही है अच्छा अब इस स्टेट के बिहाफ पे मैंने क्या करना है इस स्टेट के बिहाफ पे मैंने ये करना है कि यहाँ पे आके ना मैंने लोडिंग डिस्प्ले करवा देनी है ठीक है यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ एक और ऐसे जावा का ब्लॉग बना लेता हूँ और मैं कह देता हूँ कि जी अगर ना इज लोडिंग अगर ट्रू है अगर तो क्या कर दो यहाँ पे एक डिव दिखा दो ठीक है और इस डिव में बोल दोगे लोडिंग अदरवाइज नल ठीक है इज़ लोडिंग तो लोडिंग दिखा दो अदरवाइज़ नल दिखा दो जब नल होगा तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा नल को ये इग्नोर कर देता है ठीक है तो ये दोनों चीज़ों को मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे हैंडल कर लिया मैं रिफ़्रेश करता हूँ जैसे यहाँ पर आ कर मैं लिखूँगा कराची और कराची लिख के एंटर दबाऊँगा मैं तो लोडिंग होता है और फिर कराची दिखता है फिर मैं लाहौर दबाऊँगा और एंटर करता हूँ तो लोडिंग होता है और फिर दिखता है ठीक है अगेन करते हैं ठीक है कराची एंटर अच्छा ये बहुत जल्दी हो जा रहा है ना असल में इसको हम थ्रॉटलिंग करते हैं इसकी नेटवर्क में गया मैं और नेटवर्क में जाके ये थ्रॉटलिंग देख रहे हो यहाँ पे आके मैंने बोला स्लो थ्री जी ठीक है तो ये क्या होता है इंटरनेट की ना सिमुलेशन है ये सिमुलेशन है मतलब मैं जितनी स्पीड के इंटरनेट पे इसको टेस्ट करना चाहूँ मैं वो, वो स्पीड यहाँ से हाथ से भी सेट कर सकता हूँ कस्टम जो है ना ये कस्टम ये मैंने ऐड किया है यहाँ से कस्टम और मैं बताऊँगा कि देखो मैंने एक बताया हुआ पचास के का पचास के वी का अगर इंटरनेट है और सत्तर मिली सेकेंड उसका रिस्पॉन्स टाइम है है ना ये मैंने यहाँ पे जितने भी मर्जी का चाहूँ मैं ऐड कर सकता हूँ ठीक है मैं सौ एम का कनेक्शन ऐड कर दूँ पचास एम का कर दूँ तो वो सिमुलेट करता है उसके ऊपर तो मैंने स्लो थ्री लगा दिया ये जो प्रीसेट्स हैं फास्ट थ्री जी स्लो थ्री और ऑफलाइन ये तीनों गूगल ने ख़ुद बना के दिए मैं गूगल क्रोम के अंदर ठीक है तो अब जब मैं इसको चलाऊँगा ना ए कॉल को तो ये जितनी देखो पेज रिफ्रेश भी अब जरा देर में होगा देखो ना तसली से हो रहा है स्लो थ्री जी स्पीड में अब ये सिमुलेट कर रहा है उसको कि यार इतना होगा ठीक है ये पेज इतनी देर में लोड होगा हमारा सही है स्लो थ्री जी को और इसको मैंने क्या कर दिया क्लियर कर दिया और क्लियर करने के बाद मैंने कहा कि यहाँ पे कराची लिखो और कराची लिख के ज, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो ये अच्छे खासे टाइम तक लोडिंग शो कर रहा है अब और नो डेटा गायब हो कि अब यहाँ पर डेटा आ जाता है ठीक है फिर अगेन मैं यहाँ पर लाहौर लिखता हूँ और एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो लोडिंग अच्छा ये लोडिंग जो है वो काफ़ी चपका हुआ है मेरे डेटा के साथ मार्जिन ना होने की वजह से ठीक है well, वेल जो पॉइंट था वो आप समझ गए आई होप तो वो मार्जिन वार्जिन इज़ नॉट अ बिग डील वो तो आप सब लोगों को पता ही है ठीक है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसकी थ्रॉटलिंग क्या कर देता हूँ नो थ्रॉटलिंग कर देता हूँ मैं ठीक है अच्छा थ्रॉटलिंग अगर आपने इनेबल भी की हुई है अगर आप ये बंद कर देते हैं ना तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं है कि अगर आपके ने गलती से थ्रॉटलिंग ऑन कर दी तो पूरा इंटरनेट ही आपका स्लो हो जाएगा वो थ्रॉटलिंग सिर्फ़ एक टैब के लिए होती है और वो भी जब तक होती है जब तक डिवेलपर टूल खुला हुआ जैसे ही डिवेलपर टूल बंद होगा वो थ्रॉटलिंग ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है ठीक है अच्छा तो ये दोनों चीज़ें हमने हैंडल कर दी है। <स्थ> अच्छा अब इसी के अंदर रहते रहते एक मैं बात और चाहूँगा कि यहाँ पे डिस्कस हो जाए जी जो हम जो एक्चुअली कर रहे थे लास्ट है ना यही काम कर रहे थे हम हमने स्टेटफुल फुल एक तो बना लिए थे ठीक है कि कंपोनेंट कीजिए कि स्टेट होगी और उसके बाद हमने ना स्टेटफुल फुल के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप को हैंडल करना सीख लिया था बोलियन hmm. को नंबर को और स्ट्रेंग को इन तीनों को हमने हैंडल करना सीख लिया था ना कि ऐसे सेट डेटा किया और दैट सेट हो गया एरे और ऑब्जेक्ट टाइप का जो डेटा है ना उसको हमने हैंडल करना स्टेट है में नहीं सीखा था ठीक है और इसी स्पेसिफिक रीज़न के तहत आपको जो असाइनमेंट दिया गया था उसके अंदर ये एक चैलेंज भी था आपके लिए ठीक है कि जब आपने सुना होगा जब कि अच्छा जी ऐसे टॉप पे आए और उसके नीचे आया कार्ड उसके नीचे आया उसके नीचे आया कार्ड तो आपने बोला होगा कि यार ये तो कोई मसला नहीं है लेकिन फिर तो जैसे ही आप उसको करने बैठे होंगे तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप सेट करते हैं स्टेट लेकिन वो स्क्रीन पर अपडेट नहीं होता है सबके साथ हुआ ही है ठीक है कितने ऐसे लोग हैं आ, जिनको ये चीज़ हैंडल करना पहले से आती थी एरे और ऑब्जेक्ट को स्टेट के अंदर हैंडल करना पहले से जिनको आता था तीन चार चार लोग हैं पांच लोग हैं हमारे पास ठीक है जी थी? तो अच्छा बाकी लोग जिनको ये बात पहले से नहीं आती थी तो आपने यानी उनसे अब मैं पूछ रहा हूँ कि जिनको पहले से नहीं आता था कितने आप में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये असाइनमेंट बनाते वक्त रिसर्च की ख़ुद से इंटरनेट पे और इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया कि इसको कैसे हैंडल किया जाएगा हाथ खड़ा करके बताओ आपने सीख लिया एक दो तीन चार लोगों ने सीख लिया अच्छा यार ज़रा बताओ खड़े हो के आप कि जो है ना ये आपने मतलब बताओ ज़रा एक्सप्लेन करो कि उसको कैसे हैंडल किया जाएगा हाँ हाँ सही है हाँ भाई तुमने कैसे हैंडल किया, भी। और तुम, कैसे किया? मैं कैसे। हाँ भाई और बताओ तुम तुमने कैसे किया इसी तरह किया स्प्रेड ऑपरेटर से अच्छा तो देखो अब ये आपको क्या पता लगा कि जब भी आपके पास कोई इशू आए बैठ जाओ जब भी आपके पास कोई इशू आएगा तो आपके लिए इंटरनेट के दरवाजे खुले हुए हैं ठीक है रिएक्ट इस वक्त वो टेक्नोलॉजी है जो हाईली अडॉप्टेड है दुनिया में लाखों शायद करोड़ों लोग जो वो रिएक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं रिएक्ट के साथ उनका कहीं ना कहीं एक एक समझ लें इंट्रैक्शन है ठीक है तो आपको ये अब अंदाज़ा हो गया कि जी इंटरनेट पे हेल्प मौजूद है इसकी अच्छा उस चीज़ को मैं यहाँ पर ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर एरे डेटा टाइप होगी तो आप उसको किस तरह से हैंडल कर रहे होंगे और उसके अंदर ना क्या आ, समझ लें आपके जो कैच क्या है उसके अंदर जो आ, आ, जाहिर है अगर किसी ने अगर सिर्फ स्ट्रिंग और आ, नंबर को स्टेट में हैंडल किया है तो उस बंदे के लिए क्या कैच होगा कि उसको वो पता लगे अच्छा इसके लिए जो है ना मैं क्या कर लेता हूँ मैं अपने इस स्टेट को जो डेटा है मेरा इसको अच्छा इसको मैं नल भी रखूँ तो कोई ऐसा इशू नहीं है लेकिन वो फिर मुझे नीचे हैंडल करना पड़ेगा तो इसलिए मैं बेहतर ये कि शुरू में इसको एम टी रख रख मैं ठीक है एम टी एर रखने से क्या होगा कि ये इस पर डायरेक्ट मैं डॉट पुश चलाऊंगा तो चल जाएगा जैसे ही मेरे पास नया डेटा आएगा तो मैं डायरेक्ट डॉट पुश चलाऊंगा अगर मैं नल रखता इसको तो मैं डॉट पुश लगाता वो काम नहीं करता ठीक है तो फिर मुझे पहले एक इफ लगाना पड़ता है कि जी अच्छा अगर नल है तो पहले इसको जो है ना एरे करो और फिर उसको जो, जो वो अच्छा, है वो डॉट पुश चलाता ना अच्छा आ जाओ भैया बागे ये मेरे पास ट्राई के अंदर क्या चलता है ए कॉल चलती है इसको जरा सा मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ यहाँ पर यह मेरी ए कॉल है अच्छा इस लोडिंग यहाँ पे मैंने फॉल्स किया और यहाँ पे मैं सेट डेटा करता हूँ अब यहाँ पे मैं सेट डेटा के अंदर क्या करता हूँ कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा को पहले तो सीधा सीधा सेट कर देता था लेकिन अब मेरा जो ये सेट डेटा है वो क्या है वो एक एरे है तो मैं क्या करता हूँ इसको मैं डेटा डॉट पुश करता हूँ है ना रिस्पॉन्स डॉट डेटा कि भाई डेटा में जो भी पहले से था उसमें मैंने पुश किया तो डेटा शुरू में जो था वो क्या था एक एम टी था लेकिन अब इसके दरमियान में यहाँ पे कुछ डेटा आ चुका है और फिर मैं इसी को वापस से क्या करूँगा यहाँ पे आके सेट डेटा के अंदर ना ऐसे डेटा को चेंज करवा दूँगा ठीक है अच्छा लेकिन ऐसे जब डेटा को मैं चेंज करवाऊँगा तो होगा क्या कि वो स्क्रीन पर मुझे दिखेगा नहीं अच्छा तो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि जना ये क्योंकि अब मेरा ये डेटा एक आ रही है तो नीचे अब मुझे इसको जो रेंडर किया है मैंने नीचे रेंडर करने का जो तरीका है मेरा वो भी अब ऐसे सीधा सीधा नहीं होगा बल्कि अब वो कैसे होगा अब वो लूप चला के मुझे उसको रेंडर करना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर ना ठीक है तो बल्कि चलो लूप चला के जो रेंडर करने वाला काम है वो हम थोड़ी देर में करते हैं नहीं जब तक रेंडर नहीं करेंगे तो पता ही नहीं लगेगा स्क्रीन पे पहले ये करना पड़ेगा अच्छा आ जाओ यार यहाँ पे तो इसको मैं क्या कर देता हूँ इसको मैं रोक देता हूँ सॉरी रोक क्यों देता हूँ इसी के अंदर होगा ना ये काम तो ठीक है जी अच्छा लेकिन अब मेरी ये कंडीशन चेंज हो जाएगी नो no डेटा वाली है ना नो no डेटा वाली कंडीशन अब मेरी क्या हो जाएगी मैं कहूँगा कि यार अगर डेटा यहाँ पर मौजूद है अगर सॉरी डेटा डॉट लेंथ क्योंकि एम जो एरे होता है वो ट्रूथी वैल्यू होती है ठीक है ना तो अगर मैं सिर्फ डेटा लिखूंगा तो वो एम टी एरे पर भी ट्रू समझेगा और जो डेटा डॉट लेंथ है वो एक नंबर रिटर्न करता है तो शुरू में एम टी एरे होगा तो वो ज़ीरो रिटर्न करेगा ठीक है बाद में वन टू थ्री रिटर्न कर रहा होगा तो अगर मैं कहता हूँ कि यार ये अगर डेटा डॉट लेंथ अगर जीरो के अलावा कुछ भी है तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट दिखाना है अदरवाइज़ नो डेटा दिखाना है अच्छा अब इस पार्ट के अंदर जो ये सिंगल डिव मैंने रेंडर की हुई थी अब यहाँ पे मैं एक सिंगल डिव रेंडर नहीं करूँगा बल्कि मैं क्या करूँगा डेटा डॉट मैप लगाऊंगा ठीक है और डेटा डॉट मैप के अंदर ये एक लूप चलाने का एक तरीका है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस क्लास में राइट अच्छा जब मैं किसी भी डेटा जो है वो एक एरे है किसी भी एरे के ऊपर डॉट मैप हिट कर सकता हूँ मैं और मुझे यहाँ पे क्या मिलता है मुझे यहाँ पे ईच ईच वेदर मैंने लिख दिया ठीक है ईच वेदर डेटा और कॉमा करके मुझे इंडेक्स भी मिलता है साथ में इंडेक्स में मुझे क्या मिलता है ज, ये जितनी दफ़ा घूमता है ना जीरो वन टू ऐसे करके मिल रहा होता है और इसके अंदर मुझे क्या मिलता है जितनी दफ़ा ये घूमता है तो एक एक आइटम उस इंडेक्स एक एक आइटम उस एरे का मुझे मिल रहा होता है ठीक है और इस पूरे को मैंने क्या कर दिया इसके अंदर यहाँ पे मूव करवा दिया ठीक है इस पूरे को मैंने यहाँ मूव करवा दिया अच्छा अब मैं यहाँ पे जो डेटा डॉट लोकेशन करवाता था ना मैं ईच वेदर डेटा डॉट लोकेशन करवाऊंगा सही है ठीक है ऐसे होगा अब जैसे ही यहाँ पे मैं कराची लिखूंगा एरर आ गया कुछ क्या एरर आ गया, गया भाई देख लेते हैं वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है नहीं नहीं इंडेक्स नहीं देंगे को उसके बगैर भी डिस्प्ले तो हो जाना चाहिए ना उसको एक काम करते हैं इसको जरा यहाँ पे ना प्रिंट भी करवा देते हैं सेट डेटा के बाद ना इसको कॉन्सोल डॉट लॉग लगा के डेटा को ना ज़रा प्रिंट भी करवा देते हैं यार ताकि हमें डेटा में दिख भी जाए ना कि क्या आ रहा है सही है डेटा ज़ीरो डॉट करंट है ना इसी तरह हमने उसको प्रिंट करवाया डॉट सही है बिल्कुल सही प्रिंट करवाया हमने क्यों नहीं हो रहा प्रिंट यार ये हाँ भाई क्या मिस्टेक किए मैंने इसमें यार किसी को पता लग रहा है अच्छा वेल well, यहाँ पे आगे 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 हाँ तो जीरो अंदर है नहीं ईच नहीं ये ईच वेदर डेटा के अंदर मुझे वो एक एक करके मिल रहा है ना आइटम सारे नहीं ज़ीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा जीरो से नहीं हो रहा ये तो पूरा एरे है ना व्हाट सही तो है पूरी है ना इसमें क्या मसला है डेटा डॉट लेंथ में या तो जीरो आएगा या तो वन टू थ्री आएगा तो सही तो है जीरो आएगा तो ये फॉल्स होगा ये तो कंडीशन से ही चल रही है क्योंकि नो डेटा शुरू में लिखा हुआ आता है देखो शुरू में ना नो डेटा लिखा हुआ आता है जैसे ही मैं यहाँ पे कराची लिखता हूँ ना और डेटा जब आ जाता है वंस तो फिर यहाँ डिस्प्ले नहीं होता नहीं प्रिवेंट डिफॉल्ट पेज रिफ्रेश तो नहीं हो रहा पेज इज़ नॉट गेटिंग रिफ्रेश ना नहीं एटलीस्ट उसको पहला तो दिखाना चाहिए ना एटलीस्ट उसको जो आ, पहला है ना जो वो दिखाना चाहिए वेल well, अभी मैंने ऊपर एक मिस्टेक की है जिसकी वजह से वो सिर्फ पहला दिखाना चाहिए उसको बाकी नहीं दिखाना चाहिए ओहो oh, oh, पहला भी क्यों दिखाएगा वो सही है ना वो रेंडर नहीं हो रहा है एक्चुअली वो वो इस वजह से नहीं हो रहा जो मैंने ऊपर किया है अच्छा वेल well, अब देखो होता क्या है अब समझना नीचे मेरा कोड जो बिल्कुल सही है आई एम श्योर के नीचे जो मेरा कोड लिखा हुआ है ना वही ये जो कोड है बिल्कुल सही है वो अच्छा अब गौर से समझना हो रहा क्या है इसमें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ पूरा मैं ऊपर से मैंने यहाँ पे एक डेटा करके स्टेट बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने एम टी एर रखा हुआ है ठीक है जब मेरी ऐप लोड होती है तो एम टी एर इसमें लोड हो जाता है अच्छा फिर मैं हिट करता हूँ कराची लिख के जैसे ही तो आ, क्या होता है मेरे पास डेटा आता है मैं डेटा डॉट पुश करता हूँ यानी डेटा मेरे पास एम टी एर एस में एक आइटम पुश करता हूँ और आइटम पुश करते ही क्या होता है अब वो एम टी आर नहीं रहा वो वन इंडेक्स का एरे बन गया अच्छा डेटा के जैसा कि मैं जानता हूँ कि क्या है वो लोकल वेरिएबल है ठीक है तो उसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ लेकिन स्टेट में चेंज जब ही होगा जब मैं सेट डेटा कॉल करूँगा अच्छा और सेट डेटा में कॉल करता हूँ तो सेट डेटा अब आप देखो यहाँ पे ना ये सेट डेटा के अंदर देखो चार इंडेक्सेस ही आ चुके हैं ठीक है अच्छा लेकिन स्क्रीन पे ये एक दफ़ा भी रेंडर नहीं हुआ स्क्रीन पर यह इसलिए रेंडर नहीं हुआ एक दफ़ा भी कि क्या कहते हैं ये जो एरे है ना इसका रेफरेंस चेंज नहीं हुआ अच्छा जो नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप है असल में जो रिएक्ट है वो किसी भी वेरिएबल में जो चेंज को डिटेक्ट करता है ना वो उसके रेफरेंस के थ्रू करता है ठीक है जब हमने ऑब्जेक्ट और एरे को डिस्कस किया था तो हमने ये बात देखी थी कि जब मैं एक नंबर टाइप के या एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कॉपी करता हूँ तो वो होता है कौन सी वाले कॉपी करता है वो कापी बाई एक स्ट्रिंग या नंबर को जब मैं एक वेरिएबल से उठा के दूसरे वेरिएबल में कॉपी करता हूँ कॉपी बाई वैल्यू ठीक है इसको हम कहते हैं कॉपी बाई वैल्यू तो एक वैल्यू उठती है और दूसरे वेरिएबल में चली जाती है वो और रैम मेमरी के अंदर रैम मैमरी के अंदर वो दोनों अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं उसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता ठीक है जब मैं एक नंबर वेरिएबल उठा के दूसरे नंबर वेरिएबल में डालता हूँ तो वो मेमोरी में अलग अलग जगह ले रहा होता है है ना दो दो वेरिएबल दो अलग अलग जगह ले रहे होते हैं और उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता ऑन अदर एंड अगर मैं नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप जैसा कि एरे और ऑब्जेक्ट के साथ यही सेम काम करता हूँ तो क्या होता है कि जब मैं एक वेरिएबल को उठा के दूसरे वेरिएबल में डालता हूँ तो आ, वो रैम के अंदर भी डुप्लीकेट नहीं होता और आपस में भी वो कनेक्ट रहता है तो असल में क्या होता है कि वैल्यू कहीं पे भी नहीं जाती रैम में जहां वैल्यू पड़ी होती है रैम में वैल्यू वहीं रहती है जस्ट क्या होता है कि एक वेरिएबल से उठ के रेफरेंस दूसरे वेरिएबल में चला जाता है रेफरेंस रेफरेंस क्या होता है reference हम उस चीज़ को कहते हैं कि रैम में ये वैल्यू जहां पर पड़ी हुई है रैम का एक एड्रेस होता है ठीक है ना रैम में पता ना वैल्यू कैसे सेव होती है रैम का एड्रेस होता है मिसाल के तौर पर अगर आपके पास फोर की रैम है तो उसमें एक्चुअली फोर थाउजेंड एम बीज हैं उसके अंदर राइट right? और फोर थाउजेंड एम बीज के अंदर हर एक एम बी के अंदर फोर थाउजेंड के बीज हैं और हर फोर थाउजेंड के बीज uh, uh, के अंदर हर वन थाउजेंड के बी के अंदर आपका जो है ना अब वो अब समझ गया होगे के बी से वो फिर बिट तक हम जाते हैं बाइट तक हम जाते हैं ठीक है तो वो एक्चुअली आपके पास ना ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना एक uh, एक बिट जो होता है वो एक्चुअली एक ट्रांजिस्टर होता है ठीक है तो वो हर ट्रांजिस्टर का एक सीरियल नंबर होता है वो यूँ लाइन जैसे चेयर लगी है ना यहाँ पे सीट्स लगी हैं लाइन से इस तरह रैम के अंदर वो लाइन से सजे हुए होते हैं ट्रांजिस्टर तो फोर जी रैम का मतलब है कि उसमें फोर गीगा बाइट सीट्स लगी हुई हैं हर सीट के ऊपर एक वैल्यू बैठी हुई है तो हर सीट का एक नंबर होता है तो अब जब मैं किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ ना तो एक्चुअली मेरे सिस्टम को ये बात पता होती है कि यह वैल्यू जो सेव हुई है ना रैम के अंदर वो किस सीट से शुरू हुई है और कहाँ ख़त्म हुई है यह उसको बात पता होती है और उस सीट का जो नंबर है उस रैम मेमोरी का जो वो एक सर्टेन एड्रेस है उसको हम क्या कहते हैं रेफरेंस कहते हैं ठीक है थीके? अब तो खैर वो रेफरेंस की बात जरा ख़त्म हो गई सी लैंग्वेज वगैरह के ज़माने में और जावा के ज़माने में रेफरेंस जो है वो बहुत एक सर का दर्द होता था अब तो ये ना होने के बराबर हो गया ना तो वो रेफरेंस क्या होता है जब मैं एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल को या एक एरे वेरिएबल को उठा के दूसरे वेरिएबल में कॉपी करता हूँ तो उसका जो रेफरेंस होता है ना वो उठ के दूसरे में चला जाता है ना ही रैम में वैल्यू डुप्लीकेट होती है और ना ही जो है ना वो कोई एडिशनल रैम के अंदर जगह लेती है दोनों वेरिएबल को जब मैं चेंज करता हूँ तो रैम में एक ही पॉइंट पर वो जो है जाके उस चेंज को कर रही होती है ठीक है लिहाजा उसका नतीजा ये होता है कि मैं एक वेरिएबल को चेंज करता हूं दूसरा वेरिएबल चेंज होता है दूसरे को करता हूं तो पहला चेंज होता है ठीक है दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं अब नो मैटर वॉट कि मैं उसको कितने अलग अलग मैं चार दस बारह वेरिएबल बनाऊं और सब में उसको भेज दूं तो वो दसों वेरिएबल में एक ही रेफरेंस चला जाता है ठीक है इसका आपने क्या सोल्यूशन देखा था अगर आप लोगों को याद हो तो स्प्रेड ऑपरेटर तो ऑपरेटर तो है इसकी इस अप्रोच का एक नाम बताया था मैंने क्लोनिंग, यस, एरे क्लोनिंग ठीक है ये जो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे आ, इस जगह पे कहीं हमने वो पढ़ा था जन ऑपरेटर एरे लूप फंक्शन नेस्टेड लूप वेल उस क्लास की वो मौजूद है वहां ना वेल यार वो गुम हो गया छोड़ो गुम हो गया वो वेल well, यहाँ पे कोड में अगर वो आगे पीछे भी हो गया तो कोई मसला नहीं है जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं उसके अंदर वो अब दिखेगा तो एक मैंने क्लास की थी उसका टाइटल ये रखा था मैंने कि एरे क्लोनिंग है ना ऑब्जेक्ट क्लोनिंग ठीक है तो हम क्या करते हैं एरे को क्लोन करते हैं क्लोन करने से क्या होता है कि वो उसका रेफरेंस अलग अलग हो जाता है तो यहाँ पे ना जब मैं ये डेटा जो है सही है ये डेटा डॉट पुश को मैं अब हटा रहा हूँ यहाँ से ठीक है अब मैं क्या करूँगा अब मैं करूँगा कि कॉन्स्ट क्लोन इक्वल्स टू है ना, ना ये मैं क्लोन कर रहा हूँ नोट करना अब इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा आएगा अगर तो मैं ऐसे डालता ना मैं आ, आ, मतलब ऐसे डालता अगर के डेटा ठीक है तो ये इस अब क्लोन नहीं कॉपी कर देता हूँ चलो सही मेक सेंस ज़्यादा करेगा इस कॉपी के अंदर अगर मैं ऐसे डेटा को उठा के डायरेक्ट डालता ना यूँ तो तब तो ये क्लोन नहीं बना ठीक है ना तब तो ये क्या बना वो कॉपी बाई रेफरेंस वही कर देगा ये अच्छा तो मुझे अब क्या करना है क्लोन करने के लिए क्या करता था मैं मैं ऐसे लगाता था ठीक है ये हो गया क्लोन अच्छा अब लेकिन मेरे इस सर्टेन सिनेरियो के अंदर मुझे सिर्फ क्लोन नहीं करना है बल्कि मुझे एक एडिशनल वैल्यू भी उसमें ऐड करनी है ठीक है इसका नाम बल्कि क्लोन ही कर देता हूँ यार क्लोन ही ज्यादा मेक सेंस है अच्छा अब तो इस क्लोन में आगे मैं क्या करूंगा अब अब क्योंकि ये मेरा क्लोन है इसमें मैं जो भी चेंजेस करता रहा हूँ नो प्रॉब्लम ठीक है तो इस change, इस क्लोन के अंदर मैं बोलूंगा कि क्लोन डॉट पुश ठीक है और रिस्पॉन्स डॉट डेटा और अब मैं इस क्लोन को जो है ना सेट डेटा में डालूँगा अब मैंने ये तीन लाइन में किया आमतौर पर इसको एक लाइन में किया जाता है और अब देखते हैं कि मेरे पास कुछ चेंजेस आना शुरू हुई हैं स्क्रीन पे या नहीं हुई अब मैं इसको चेंज करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ और मैं लिखता हूँ कराची और गेट वेदर यार ये अभी भी नहीं हुआ अच्छा वेल well. <laughs> ये जो मैंने पुश किया ना इस तरह नहीं करना था इसको जो तरीका है इसका प्रॉपर है वो ये कि यहाँ पे कॉमा लगा के मैं यहीं पे करूँ ठीक है स्प्रेड ऑपरेटर है ना यहीं पे कॉमा लगा के करूँ ठीक है वो ब्रेक डाउन करने के चक्कर में ज़रा <laughs> मामला जो है ना वो हो रहे हैं वेल लेट्स ट्राईड अगेन अबे क्या हो गया अब तो चल जा ये देख लो अब मेरी ये फिरकी ले रहा है अब मैंने क्या मिस्टेक की है इसमें यार ठीक है अच्छा अब इसको ऐसे भी ये मैंने देखो अभी भी दो लाइनों में किया हुआ है इसको ठीक है इसको ऐसे दो लाइन में भी नहीं करते बल्कि इस पूरे को उठा के मैं अगर यहीं पर डायरेक्ट रख दूँ इस जगह पर तो तो भी ठीक है ठीक है लेकिन अब मैंने यहाँ पर कोई और मिस्टेक की हुई है इसके अलावा कोई कौनसोल पर तो कोई एरर भी नहीं है कुछ भी नहीं है इसमें इसके अलावा मैंने कोई और भी मिस्टेक की हुई है यहाँ पर जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है वो स्टिल उसको स्क्रीन पे रिफ़्रेश नहीं कर रहा है मैंने क्या मिस्टेक की है नहीं नहीं कॉल बैक से डाल लो ये तो एक एक करके ए कॉल होती है ना डेटा सेट डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा सही है बिल्कुल परफेक्ट है यार हर चीज़ ओके है इसके अंदर आके चलो एक दफा और ट्राई करते हैं वो मे भी मैंने दो लाइनों में किया था शायद इस वजह से उसको गड़बड़ हो रही हो हालांकि होना नहीं चाहिए था यार नहीं यार कोई और मैंने गड़बड़ की भी है इसमें एक काम करता हूँ इसका मैं कैशे क्लियर के करता हूँ मे भी इसने वो पहले वाली बात ना दिल से लगा के बैठा हुआ ये नहीं यार कुछ मैंने गड़बड़ इसके अंदर की अलग डिफरेंट चीज़ की है मैंने इसके अंदर इस स्टेट के अंदर तो देखो वैल्यू आ रही है ना देखो दो आइटम्स हो गए हैं स्टेट के अंदर वेल जो भी आ रही है लेकिन स्क्रीन पे जितनी भी आ रही है उसको स्क्रीन पे दिखना चाहिए लेकिन स्क्रीन पे वो नहीं दिख रही है मैप सही है बिल्कुल मैप हाँ ओ यस मैप में रिटर्न नहीं लगाया मैंने हाँ ah. मैप <laughs> में रिटर्न नहीं लगाया मैंने आज ah, भाई सही है तो मैंने मैप में रिटर्न लगाने के बजाय मैंने गोल ब्रैकेट लगा दिया है तो इससे भी क्या हो जाता है रिटर्न का काम कर रहा होता है ये फाइनली अब जाके इसने एक एरर दिया सेमी कॉलन हाँ यस सेमी कॉलन लगा ओ, चला ठीक है तो आ, हमने एक्चुअली क्या किया यहाँ पे एक नया एरे बनाया ठीक है और इस नए एरे में बोला मैंने कि पहले क्या करो स्प्रेड ऑपरेटर लगा के जो तमाम का तमाम डेटा के अंदर आइटम मौजूद था ना वो सारे इधर सजा दो वो चार हो पाँच हो दस हो पचास हो वो सब सजा देगा यहाँ उसके बाद मैंने कहा कि कॉमा डाल के ना लास्ट इंडेक्स पे एक ये भी रखवा दूँ ठीक है तो ये हो गया अच्छा इससे अब होगा क्या इससे अब होगा ये कि मैं जितने भी नए शहर का यहाँ पे नाम लिखूंगा वो इसके नीचे आ रहा होगा ठीक है नई वैल्यू इस वक्त नीचे आ रही है अभी अब, अब क्या एरर हो गया उसको रिक्वेस्ट टाइम आउट इंटरनेट बंद हो गया क्या चला 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 ठीक है तो नई वैल्यू नीचे आ रही है अच्छा लेकिन मुझे तो नई वैल्यू चाहिए ऊपर तो इसके दो तरीके हैं या तो मैं लूप को अपोजिट चला दूं लूप को रिवर्स में चला दूँ लेकिन वो मैप रिवर्स में चला नहीं सकते हम मैप को रिवर्स में नहीं चला सकते हैं। मैप सीधा सीधा ही चलता है यानी शुरू से लेके आखिर तक चलता है मैप को उल्टा चला सकते हैं नहीं चला सकते के वो का करें हाँ नहीं वो रिवर्स फिर वो एक मेथड होगा जो कि क्या करेगा पहले पूरे एरे को पल पलटा मारेगा और वो हर रेंडर पे वो उसको पूरी पूरी पलटी मारेगा उसको तो वो जब एरे ज़्यादा होगा ना तो पेज मेरा स्लो डाउन करेगा उसकी वजह से तो बेहतर ये है कि जब मेरे पास नया डेटा आता है तो मैं उसको एरे में ऐसी जगह पर रखूँ कि सीधा लूप भी चले ना तो मेरा डेटा सही प्रिंट हो तो मैं क्या करूँगा मैं बोलूँगा ये जो सजाते हो ना पुराना डेटा इधर वो इधर नहीं सजाओ आप वो हाँ वो मैंने कहा कि पहले ये वाली वैल्यू रखो और उसके बाद जो जितनी भी पहले की वैल्यू है उसको सजा दो यहाँ पर तो इस अप्रोच से जब मैं रखूँगा तो डेटा असेंबल ही इस सूरत में होगा कि वो नया डेटा मुझे टॉप पे दिख रहा होगा मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ अगेन मैं कराची लिखता हूँ यहाँ पे एंटर करता हूँ ठीक है उसके बाद मैं लाहौर लिखता हूँ एंटर करता हूँ तो जी लाहौर ना अब टॉप पे आना शुरू हो गया ठीक है और मैं इसके बाद अब लिखता हूँ लंदन तो लंदन टॉप पे आना शुरू हो गया ठीक है तो ये हो गया अब ये लंदन स्पेन में कब से हो गया यार अच्छा 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 इंग्लिश में लिखा है ना मैंने <laughs> अच्छा तो अभी हमारे पास एक सिचुएशन ये है कि जब मैं यहाँ पे हिट करता हूँ ना मेरा फॉर्म रीसेट नहीं होता अच्छा क्यों नहीं होता ये रीसेट मैंने स्टेट की नहीं स्टेट की वैल्यू की बात नहीं है मैंने ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर सारे प्रिवेंट मार दिए ना मैंने बोला भाई प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट तो अब पेज रिफ्रेश नहीं होगा अब फॉर्म रीसेट नहीं होगा जो डिफ़ॉल्ट पे जो जो चीज़ें वो सबमिट के बटन पे करता था ना वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा इसको बाई फोर्स यहाँ पर आ गया ना इवेंट डॉट टारगेट इवेंट डॉट टारगेट से क्या मिलता है कि जिस चीज पे क्लिक हुआ है ना वो पूरा एलिमेंट मुझे मिल रहा होता है ना तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट करूंगा ना मैं तो वो क्या होगा रिसट हो जाएगा वो और ये रिसट मैंने देखो कहाँ किया सेट डेटा करवाने की बात की है ठीक है अच्छा अगर सम हाउ कैच चलता है अगर ये मतलब ये वाली लाइन के बाद कोई एरर आ जाता है यानी एपीआई कॉल फेल हो जाती है ठीक है तो वो यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँचेगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको समझना आपने ठीक है कि अगर ए कॉल फेल हो जाती है तो इस सूरत में मुझे फॉर्म को रीसेट नहीं करवाना है मुझे फॉर्म को जब ही रीसेट करवाना है कि जब मेरी जो ए कॉल है वो सक्सेसफुल हो जाए ठीक है मेरी ए कॉल सक्सेसफुल हो जाए क्योंकि अगर ए कॉल फेल होती है तो बंदा दोबारा बटन क्लिक करे तो उसको लिखना ना पड़े ये ना हो कि वो लिख के फिर दोबारा क्लिक कर रहा हो पहले से लिखा आ रहा वेल स्टिल इट इट मे वेरी केस टू केस कि आपका कोई हो सकता है कोई ऐसा सर्टेन केस हो जिसमें बटन क्लिक करते ही पहले उसको रिसेट करें और फिर ए पी आई कॉल करवाएँ मे भी ऐसा हो सकता है ठीक है लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करके अब मैं इसमें जैसी कराची लिखूंगा और मैं एंटर करूँगा तो जब तक लोडिंग शो हो रहा था जब तक वो दिख रहा था जैसी लोडिंग आया हुआ फॉर्म मेरा रीसेट हो गया और नाउ इट इज़ रेडी फॉर अ न्यू वैल्यू तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ अब कौन सी वैल्यू नहीं वो शायद इतना अच्छा तरीका नहीं होगा ये ज़्यादा बेहतर तरीका है ये असल में फॉर्म के मेथड से काम कर रहे हैं ना ये वाला अब क्योंकि अगर देखो वो काम मैं करूँगा ना तो अभी तो मेरे पास है एक इनपुट फील्ड कल को मेरे पास दस इनपुट फील्ड होगी तो मैं एक एक करके दस दफ़ा लिखूँगा क्या अच्छा लिख दिया चलो मैंने फिर कोई मॉडिफिकेशन हुई एक और फील्ड ऐड हुई अब वो एक और फील्ड को भी एमडी कराओ फिर समझ रहे हो तो फॉर्म को रीसेट करने पे वो पूरा फॉर्म रीसेट करेगा तो ये ज़रा शायद कोडिंग के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा कन्वीनियंट भी है और अप्रोप्रिएट भी है अच्छा अब यहाँ पर मुझे इसको ना इसने एक एरर देना शुरू किया है कि जी वो तो आप ना अब क्यों नहीं दे रहा यार अभी तो दिया था इसने अच्छा हाँ अब ये कह रहा है कि यार ये ना कह रहा है कि जनाब जब आप इसको चलाते हो ना मैप और मैप की हर आइट्रेशन पे आप ये एक ही डिव रिटर्न करते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डिव अलग अलग है सही है तो इसके लिए अच्छा क्यों ये इसको पता कैसे नहीं चलेगा इसको पता इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि खुद का इन्होंने बनाया हुआ है डॉम उस्ताद है ना ये तो खुद का इन्होंने बनाया हुआ है डॉम वर्चुअल डोम ठीक है उसका जो मेकेजम है वो जावे वाले डोम से मुख्तलिफ है और हम जब भी कोई यहाँ पर चीज़ें हो रही होती हैं ना जो तो वो पहले अपडेट होती है इनके वर्चुअल डॉम के अंदर और उसके बाद जाके जो है ना वो जावा स्क्रिप्ट के डोम में होता है तो इन्होंने बोला कि यार हमने ना अपने वर्चुअल डॉम के अंदर ये चीज़ रखी है कि हर एलिमेंट के अंदर ना उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके हर एलिमेंट को ना तो इस वजह से ये कहते हैं कि इसको ना आप पास करो ठीक है अच्छा इसके बगैर भी ये एरर नहीं देता मतलब स्क्रीन पर कोई एरर नहीं आता कॉन्सोल पर वार्निंग दिखा रहा होता है सही है ना ये वार्निंग है ये एरर नहीं है ठीक है स्क्रीन पर सब कुछ सही चल रहा होता है अगर यूज़र कंसोल ना खोले उसको पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है लेकिन स्टिल इसके कुछ फ़जाइल इन्होंने बयान किए तो आ, बस हम वो आप देख लीजिएगा ख़ुद से ही कि वो क्या है इसमें इश्यूज़ हैं हर आइटम को असल में वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ना और जब भी उस एरे में चेंज आए तो उसको वो यूनिकली आइडेंटिफाई करके फौरन उस पर एक्शन ले सके इसके लिए बोलता है कि भाई ये की आप यहाँ पर लगा दो और ये की आप क्या लगाओ यहाँ पर कोई यूनिक चीज़ लगा दो जो भी यूनिक चीज़ है तो हमारे पास यूनिक चीज़ इस वक्त हमारे पास इंडेक्स है जो कि हमेशा जीरो से चलेगा और ऑनवर्ड्स जितने भी एलिमेंट्स होंगे वहाँ तक जाएगा ठीक है जब अगली दफ़ा रेंडर होगा तो भी वो ज़ीरो से वो शुरू करेगा पूरा ठीक है तो ये की हमारी यानी ज़ीरो एलिमेंट की की हर दफ़ा ज़ीरो ही आएगी ठीक है तो मिसाल के तौर पर अगर इस इस मैप के अंदर कोई चेंज आता है और दोबारा से ये चलता है मिसाल के तौर पर पहले पाँच एलिमेंट थे अब अच्छे हो गए तो शुरू के पाँच एलिमेंट की जो की है वो अगली दफ़ा लूप में भी सेम आएगी तो उन पाँचों को वो अपडेटेट शायद नहीं करेगा वो सिर्फ छठे वाले को करेगा जो नई वैल्यू आई है जो नया जो नया मुझे एलिमेंट मिला है उसको सिर्फ शायद अपडेट करेगा ठीक है तो इस तरह की कुछ ये चीज़ें बैकग्राउंड में परफॉर्म करता है जिसको हमें अगर सही मानों में देखा जाए तो इतना गौर करने की उस पर ज़रूरत नहीं है हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जी एक ये फ्रेमवर्क है फ्रेमवर्क नहीं चलो एक लाइब्रेरी है इन्होंने बोला है कि भाई जे ऐसे लिखी जाती है जैसे एच में हमने कभी नहीं पूछा ना कि यार आप कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो या डॉम के जो मैथड है वो अपेंड चाइल्ड क्यों है उन्होंने वैसे ही रखा है हम उसको वैसे यूज़ करते हैं तो हम शायद बेहतर ये कि हम इसको इस तरह से लें कि इन्होंने बोला है कि जी हर आइटम को ना यूनिकली आइडेंटिफाई करने की देना है तो हमने देना है दैट्स इट अगर नहीं देते हैं वार्निंग देता है वो तो अब उसके पीछे वो क्या एक्चुअली कर रहा है ये शायद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बिगनर के लिए एटलीस्ट तो नहीं है ठीक है जो एडवांस डेवलपर है या जो सीनियर डेवलपर है शायद उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा लेकिन बिगनर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके पीछे हो क्या रहा है अच्छा ये हमने काम कर लिया जी तो अब यहाँ पे वो वाला एरर वो वाला वार्निंग नहीं आनी चाहिए ठीक है वो वाली वार्निंग नहीं आ रही है अब लंदन एंटर लाहौर एंटर सही है परफेक्टली ये चलना शुरू हो गया अच्छा इसमें अभी कोई और ऐसी चेंज है जो हमने इसमें करना है कोई और ऐसा चेंज तो नहीं है ना इसके अंदर ठीक है तो हमेशा जब भी मैं सेट डेटा को कॉल करूंगा ना मैं इस तरह से कॉल करवाऊंगा एरे में भी और ऑब्जेक्ट में भी क्योंकि ऑब्जेक्ट में भी ये रेफरेंस वाला इशू है अच्छा अगर मैं इसको वो जो सेट डेटा के दो तरीके हैं ना एक तो सिंक्रोनस है और एक ए सिंक है तो अगर मैं ए सिंक वाला करूँगा तो मैं कैसे करूँगा वो भी बता देता हूँ सही है उसमें क्या होता है सेट डेटा में मुझे एक फंक्शन मिलता है ना है ना सेट डेटा में मुझे फंक्शन मिलता है और उसमें क्या मिलता है प्रीवियस वैल्यू मिलती है और मैं एक वैल्यू रिटर्न करता हूँ ठीक है तो मैं क्या करूंगा मैं बोलूंगा कि यार यहां पे प्रीवियस सही है प्रीवियस को पूरा मैं सजाऊंगा इधर और नया डेटा मैं इधर रखूंगा यहां पे तो अगर मैं ए संक्रोनस वे में करूंगा तो फिर मैं इस तरह करूंगा ऐसे करके भी एक दफा इसको चला के देख लेते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा पहले वाले में सही चल रहा था लेकिन वो देखो इस केस में मैंने ए संक्रोनस वाले की जरूरत नहीं है इस सर्टन केस में क्या है हमें एस इंक्लोरेंस वाले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब ये एक दफ़ा ये फंक्शन हिट होगा ना तो ये सेट डेटा एक दफ़ा चलेगा अगली दफ़ा फंक्शन कब हिट होगा जब यूज़र अगली दफ़ा फॉर्म फिल करके क्लिक करेगा और ये ए कॉल में भी चार पाँच सौ मिली लगते हैं वो करके फिर ही अगली दफ़ा चलेगा तो इसलिए मुझे इस सिचुएशन में इस वाले की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ये वाला परफेक्ट चल रहा है लेकिन अगर मैं ये काम कर रहा हूँ कि मैं लूप चला रहा हूँ एक एरे था उस उसमें मैंने लूप मारा है तो लूप जो है वो बहुत स्पीड में चलता है अगर लूप में मैंने ये वाली चीज़ लगाई ना तो वो काम नहीं करेगा है ना फिर मुझे लूप में अगर करता हूँ तो फिर ये करना पड़ेगा मुझे जो कि रेकमेंडेड नहीं है कि मैं लूप में इस तरह से अपडेट करूँ स्टेट को यह रेकमेंडेड नहीं है ये है कि लूप पूरा ख़त्म कर लूँ लास्ट में एक दफ़ा अपडेट कर लूँ ये रेकमेंडेड तो ये है लेकिन जस्ट इन केस बता रहा हूँ कि अगर मैंने लूप चलाया ना कोई और लूप चला के मैं उसको अपडेट मारता हूँ ये कोई ऐसी सिचुएशन है कि एक ही फंक्शन है वो दो तीन दफ़ा यक के बाद दीगरे फ़ौरन कॉल हो सकता है है ना साइमेंटेनियसली या आ, आ, वन बाई वन वो फॉर फ़ॉर कॉल होगा यानी एक फंक्शन है मैं दो तीन दफ़ा कॉल करता हूँ उसको डिपेंडिंग ऑन के यूज़र के माउस के मूवमेंट पे अगर मैंने कोई इवेंट लगाया हुआ है और उस पर मैं कोई स्टेट मेंटेन करता हूँ तो वो जो माउस हल्का सा हिलता है ना जब तो वो इवेंट पता नहीं दो तीन सौ दफ़ा चल जाता है समझ लो तो उस सिचुएशन में फिर जो है ना ये वाला जो ऊपर है ना सिंपल सेट डेटा ये काम नहीं करेगा ठीक है बताने का मकसद ये कि अगर ए होगा तो इस तरह होगा यहाँ पर इस सिचुएशन में मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी ठीक है लेकिन अगर लगा भी दूँ तो कोई मकाका नहीं है कोई ऐसा मसला भी नहीं है कि अगर मतलब है हाँ, ना कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टाइम लेता है या कोई ऐसा इसमें ओवर हेड नहीं है ऐसा कोई ठीक है अगर मैं हर जगह पे अगर मैं ये वाला लगाऊँ इट्स नॉट अ बिग डील हाँ लेकिन जरा सा शायद ये इसके अंदर एक है डाउन साइड इसका कि इसका जो सिंटैक्स है ना वो तीन लाइन का होता है मिनिमम या चार लाइन का ठीक है इसके सिंटेक्स को अगर मैं मजीद कम करना चाहूँ तो मैं ये रिटर्न हटा दूँ इसका ठीक है इसको सिंगल लाइन में कर दूँ मैं ठीक है ये मैंने इसको सिंगल लाइन में कर दिया जो कि आपको पता है कि वो हो जाता है सिंगल लाइन में ना है ना ये आपको पता है कि ये लैमडा फंक्शन है ये सिंगल लाइन में हो जाता है इसका मैं ये भी हटा दूँ ये प्रीफ के साथ जो मैंने ये लगाया हुआ ना ये भी हटा दूँगा अच्छा ये प्रीटियर मैंने किया ये उसको खुद से लगा दे रहा है लेकिन इतना कम मैं उसको कर सकता हूँ स्टिल इतना कम भी जो है वो क्या है इस वाले से ज़्यादा कोड है इसके अंदर और थोड़ा सा इसका जो क्या कहते हैं रीडेबिलिटी है वो भी कम है ये सिंपल वाले सेट डेटा से रीडेबिलिटी भी इसकी कम है तो इस तरह की सिचुएशन इस तरह के शायद डाउन साइड हैं इसके अदरवाइज़ कोई मेरा ख्याल है कि मैंने कभी मेरे नज़र से कोई ऐसी चीज़ नहीं गुजरी कभी कि इसका कोई ओवर है कि अगर आपने किसी जगह पर ये लगा दिया तो कोई प्रोसेसिंग पावर ये ज़्यादा यूज़ कर इस तरह की कोई चीज़ मैंने नहीं सुनी अभी तक ठीक है आप में से किसी को पता लगे अगर इस तरह की बात तो शेयर कर दीजिएगा अच्छा जी ये हमने डिस्कस कर ली बात अब हमारे पास थर्टी मिनट्स हैं और ये आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स बनाए थे उसमें मैं एक दो लोगों का यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ जिनका मैंने चेक किया ठीक है।, है जी और ये क्या बात है जी वेल डन वेल डन जबरदस्त ठीक है जी ये बहुत ज़बरदस्त ऐप है भाई ये एक ऐप है हमारे पास ठीक है सबमिट पे काम नहीं कर रही है और मैं रैंडमली यहां पे से एक और कोई ओपन करता हूं मैं रैंडमली एक ये वाली ओपन कर लेता हूं ठीक है जी जबरदस्त गुड ठीक है जी अब इसको हम यहाँ पे कर देते हैं एंड